कैसे हैं आप सभी लोग। अभी आप लोगों के मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज जो हिंदी का पेपर था वो अच्छा नहीं आया, कठिन था। कुछ का कहना है कि पेपर ठीक था। ओवरऑल मैंने भी पेपर देखा है, एक सेट मेरे पास भी रखा हुआ है। ओवरऑल पेपर जो था वो मीडियम था। कुछ एक टॉपिक जो थे उसमें थोड़े टफ थे, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ एक टॉपिक हिंदी के हिसाब से टफ थे, नहीं तो उसमें कुछ खास नहीं था। पहली तो ये बात है। दूसरी उससे बड़ी बात है, देखिए बेटा, अपनी कमी को स्वीकार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की यहाँ पर कमी थी। कमी किसकी थी? मैं कंटिन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 17,000 लोग या 16,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट्स में पढ़ता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फिजिक्स के वीडियो बनाइए, फिजिक्स को देखिए और फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट बताइए, फिजिक्स में ट्रिक बताइए, केमिस्ट्री में ट्रिक बताइए। बेटा आपका आज सुबह, आप झूठ मानेंगे बेटा आप सभी लोग, आज सुबह मैंने 2-2 बजे के कमेंट्स देखे हैं, उनमें बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ जब आप लोगों ने ये कमेंट्स वगैरह पूछे। और मैं कंटिन्यू उन लोगों को, जितने लोगों को कमेंट्स करके कह सकता था, मैंने उनसे कहा है कि आप हिंदी पर फोकस करिए, हिंदी पर फोकस करिए, पर आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनी। कम से कम बेटा फोकस आपको हिंदी पे करना चाहिए था। आज अगर हिंदी का पेपर था तो आप रात 2 बजे या 12 बजे या 1 बजे जो भी कमेंट आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पर उधर फोकस एक साइड कर देना चाहिए था। आपको पूरा फोकस अपना सिर्फ और सिर्फ हिंदी पे शिफ्ट कर रखना चाहिए था। आप लोगों ने वो बिल्कुल भी नहीं किया। अब जो हो गया वो हो गया, वो दोबारा लौटेगा नहीं। अब से क्या है बेटा, एक बात याद रखिए कि अगर आपका पेपर, क्या आप अगला पेपर जो फिजिक्स का है, तो फिर आप पूरा फोकस सिर्फ फिजिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करिए। सिर्फ ये देखिए कि आपको सिर्फ फिजिक्स का पेपर देखना है, बाकी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बस ये दिमाग में मान के चलिए आप। अगर आप लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में मेरे ये गड़बड़ है, मैथ मेरे में ये गड़बड़ है, बायोलॉजी में ये गड़बड़ है, इंग्लिश ये खराब है, तो बेटा इससे समस्याएं बढ़ जाएंगी। आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करिए सेम टाइम में। अभी क्या है, 20 तारीख को परसों हमें किसका पेपर देना है, फिजिक्स का पेपर देना है, तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पे शिफ्ट कर दो। बाकी सब जगह से फोकस हटाओ, सभी जगह से ध्यान हटाओ, सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रखिए, फिजिक्स। फिजिक्स के अलावा आप किसी भी बारे में ना तो बात करिए ना कुछ, सिर्फ फिजिक्स को ही पढ़ते रहिए। हिंदी की तरह बिल्कुल नहीं कि पेपर हिंदी का है, आप और बारों में बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हिंदी का पेपर आसान होता है, पर बेटा यही तो इसका एडवांटेज है कि हिंदी का पेपर आसान है, ये परसेंटेज बढ़ाने के काम आता है। जितना अच्छा आप करोगे परसेंटेज उतनी अच्छी होंगी। आपकी जो परसेंटेज आती है तो ये थोड़ी दिखाया जाता है कि हिंदी में कितने नंबर थे, इंग्लिश में कितने थे, वो तो ओवरऑल काउंट होता है। आप लोगों ने वही चीज़ लापरवाही करी, काफ़ी लोगों ने इस बारे में लापरवाही करी है। और ये मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने ये लापरवाही करी कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल मत करो, आप एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करो। हम एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सभी तरफ भागते नहीं हैं, उससे फोकस हटता है बुरी तरह से। तो अब क्या है कि पेपर में फोकस बनाए रखिए। आप जो पेपर देने जा रहे हो, नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का है, सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचिए, फिजिक्स के बारे में पढ़िए और किसी के बारे में कोई बात मत करिए। जितना मुझसे हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा आपकी। फिजिक्स में जो थ्योरी है वो कंप्लीट है 100%, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एक आध टॉपिक मुश्किल से छूटा होगा, बाकी सारी की सारी हमने फिजिक्स आपकी थ्योरी में कंप्लीट करा दी है। तो आप जाएं प्लेलिस्ट सेक्शन में देखें और टॉपिक वाइज टॉपिक आप उसमें वीडियोस में चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सारी वीडियोस को देख सकते हैं फिजिक्स की जो भी हैं। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल मैं बनाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। एक तो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे हैं, कम से कम मैं पेपरों की तैयारी कराता हूँ 8-10 घंटे उन बच्चों को, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता उनसे। फिर भी मुझे जितने से जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा मैं उसमें बनाने की कोशिश करूँगा आपकी न्यूमेरिकल्स की। फिर भी आप पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें, अपनी भी कुछ कोशिश करते रहें। आप क्या करें, आप सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करें, बाकी सब चीज़ों से फोकस हटा दो, ध्यान छोड़ो, हिंदी का जैसा हुआ होने दो। हिंदी में आपका कितना भी बेकार क्यों ना हुआ हो, 70-75 नंबर आराम से आ जाएंगे, परेशान ना हुआ, ठीक है। और एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये कहा कि सर जो है मेरी राइटिंग शुरुआती 2 या 3 पेजेस मैंने सही लिखे थे, उसके बाद में मेरी राइटिंग ख़राब हो गई। कोई दिक्कत नहीं बेटा, होती है राइटिंग ख़राब, 12th क्लास का पेपर है, हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। ये बात तो मैंने आपको सुबह भी कही थी आज कि बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखने में ज़्यादा यकीन ना रखें। तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। आपकी राइटिंग 2 पेजेस तक ठीक थी, 3 पेजेस तक ठीक थी, उसके बाद में ख़राब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए, बस काम खत्म, ठीक है।
तो उसकी टेंशन मत लो, हिंदी के पेपर को अब एक साइड में रखो, किताब कॉपियां बंद करो, हिंदी की बेड में डाल दो, एक साइड में रख दो कोने में, उसका कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स पे पूरा फोकस, किसी और के बारे में कोई बात नहीं, पूरी फिजिक्स को तैयार करो। आपके मैंने सारे के सारे जो थ्योरी है वो कंप्लीट करा दी है, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हो। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो मैं अपनी पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ, ठीक है? फिर भी आप अपनी कोशिश ना छोड़ें, ठीक? तो अब क्या है, आप थोड़ा दिमाग शांत रखिए, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो पढ़िए, शांति से सोइए, एक अच्छी नींद लीजिए और फिर कल सुबह से फिजिक्स पर शुरू हो जाइए। हिंदी के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई चेक मत करो क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, जो भी हुआ हो गया, ठीक है? तो सबको छोड़ो, फिजिक्स पे लग जाओ तुरंत, ठीक है?